हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चेतन सिंह आपका एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आइए देखते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत नाम से ही हम लोग को पता है कि हम जानते हैं कि वैद्युत के लिए आवश्यक क्या है, आवेश। वैद्युत के लिए क्या आवश्यक है, आवेश। और ये भी हम जानते हैं कि आवेश जो है ये दो प्रकार का होता है। फिर यहाँ देखते हैं द्विध्रुव। द्यु का मतलब दो हो और ध्रुव का मतलब हो गया पोल्स, आवेश। जो आवेश है ये यहाँ दो हो जाए, द्विध्रुव हो जाए, दो भागों में ये हो, दो विपरीत प्रकार के आवेश हमको मालूम है, एक धन होता है एक ऋण होता है, तो ये द्विध्रुव दो पोल पर हो। जैसे अगर मान लीजिए कि इसे मार्कर को ही हम एक निकाय मानते हैं, तो ये एक धनावेश हो और ये एक ऋणावेश हो, तो इसका मतलब कि धन और ऋण आवेश ये एक निकाय का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक ऋणावेश है, इसका मान माइनस क्यू है, और ये एक धनावेश है, इसका मान प्लस क्यू है। ये एक निकाय है और ये बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है, ये 2L। अपनी सुविधा के अनुसार इसको 2L माना जाता है। दूरी कोई भी ली जा सकती है, आधा से एक तरफ का मान L और फिर आधा से दूसरे आवेश का मान ये L, ये माना जाता है। ये अपनी सुविधा के अनुसार ही ऐसा लिया गया है। तो देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, एक ऐसी निकाय है जो दो समान आवेश लेकिन विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, ये बहुत अल्प दूरी पर जब स्थित होते हैं तो इस तरह से जो निकाय बनता है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आइए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखते हैं। वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा बिंदु आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या है, देखते हैं कि वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा बिंदु आवेश, बराबर हों आवेश और बिंदु आवेश हों, लेकिन इनके प्रकृति भी अलग हों, बराबर हों लेकिन ये बिंदु आवेश हों, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ एक चीज और कर ली कि इसकी प्रकृति ये विपरीत होनी चाहिए। वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के, दो बराबर तथा
विपरीत प्रकार के आवेश का मान तो बराबर हो लेकिन उनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत हो। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का पहले उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या हुआ, इसका उदाहरण है हमारा HCl, H2O, हमारा CH4, हमारा NH3, ये इसके उदाहरण होते हैं। वास्तव में है क्या कि जैसे एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो कोई ऐसी स्थिति हो कि बराबर ही मात्रा धनावेश की और ऋणावेश की, ये बराबर मात्रा हो जाए उस परमाणु में या उस अणु में या उस निकाय में, तो ये है एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है, ये है एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। अब देखिए जैसे HCl को ही ले लेते हैं, तो HCl में वास्तव में जब आप थोड़ी सी केमिस्ट्री में जाएंगे तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ पार्शियली क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण जैसे मान लीजिए कि ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्लोरीन है, तो ये बॉन्ड हो गया, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन है ये कुछ क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने के कारण इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और उतना ही इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो वास्तव में ये दोनों तो मिलकर के आवेश का जो कुल मान है, परमाणु का, परमाणु जैसे हम कहते हैं कि उस पर कोई आवेश नहीं होता है, निरावेशित होता है, तो उस तरह से इसमें हम देखते हैं कि परमाणु तो यहाँ निरावेशित ही होगा, क्योंकि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज, लेकिन है क्या आवेश का मान यहाँ बराबर और प्रकृति इसकी विपरीत, जो हम परिभाषा देख रहे हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यह एक वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण बनता है। अच्छा, अब जैसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि जैसे हम कहते हैं कि परमाणु है, जैसे परमाणु है, परमाणु में नाभिक ये धनावेशित होता है, नाभिक क्या है, ठोस धनावेशित भाग, ये बीच में नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ये एक जगह हो गए, भले ही चक्कर लगा रहे हैं तो इनसे कुछ दूरी पर हुए, और ये एक धनावेशित भाग हुआ। तो इस तरह से ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण हो सकता है, लेकिन इसे हम वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि जो नाभिक का केंद्र भाग होता है और इन इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण के कारण जो ऋण क्षेत्र का केंद्र होता है, ये दोनों कोइंसाइड करता है, ये एक ही बिंदु पर होता है, और एक ही बिंदु पर होना नहीं चाहिए, दोनों को क्या होना चाहिए, अल्प दूरी पर होना चाहिए। तो इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण नहीं बनता है। हाँ, अगर हम इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, यदि हम इसे किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तब ये कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, और जब इसमें थोड़ा सा इसका जो केंद्र है, नाभिक है, इसका केंद्र और इन इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो केंद्र बिंदु प्राप्त होगा वो दोनों कोइंसाइड ना करें, कुछ क्षेत्र के कारण अलग हो जाए, तब ये वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण बन जाता है। तो मतलब परमाणु भी हम वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य कर सकते हैं, कार्य के रूप में ले सकते हैं, जब यह एक वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब ये किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश का मान, आवेश का मान तथा अल्प दूरियों के गुणनफल को, अल्प दूरियों के गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
मतलब आप इसको हम पी से लिखते हैं, स्मॉल पी से लिखते हैं, और यहाँ देखते हैं कि आवेश का मान कितना है क्यू, तो ये आवेश का मान आपका क्यू हो गया। और अल्प दूरी, अल्प दूरियों के गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो दूरी कितनी है, ये इनके बीच की दूरी ये है 2L, तो इनका जो गुणनफल होगा ये हमारा P कहलाता है, P को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ से P इक्वल्स टू बी, अपनी सुविधा के अनुसार इसको लिख देते हैं हम लोग 2QL, P इक्वल्स टू बी 2QL। अब देखते हैं यह एक सदिश राशि है, ये जानते हैं यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा ये ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। पी का जो डायरेक्शन होता है वो किस दिशा में होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक क्या है, क्यू का मात्रक कूलाम, क्यू का मात्रक हो गया हमारा कूलाम, और एल को अगर हम मीटर में व्यक्त करते हैं तो ये मीटर हो गया, तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। कूलाम को सी से लिखिए और मीटर को स्मॉल एम से लिखिए, तो इस तरह से हम इसको कूलाम मीटर कह सकते हैं। इसे स्मॉल सी स्मॉल एम ना लिखिएगा, अक्सर सेंटीमीटर का कंफ्यूजन हो जाता है, तो सी के बाद डैश और फिर एम, तो ये कूलाम मीटर होता है। तो ये एक सदिश राशि हो गई, इसका मात्रक ये कूलाम मीटर हो गया। इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं, इसका विमा क्या है, तो विमा देख लेते हैं, कूलाम, कूलाम का हो गया ए टी और इसका हो गया एल, तो इसे भी हम क्रम से लिख देते हैं एल फिर टी और फिर ए। तो इस तरह से यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ये ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, और इसका मात्रक ये कूलाम मीटर होता है, और इसकी विमा ये एल टी और ए होता है, और इसके हम लोगों ने उदाहरण जान लिए। अब आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु आवेश पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या हमें जानना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, भाई ये माइनस है ये प्लस है, इनके बीच अट्रैक्शन होगा, इस प्लस के कारण एक वैद्युत क्षेत्र होगा, इस माइनस के कारण एक वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इस तरह से पूरे निकाय का कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होगा किसी भी बिंदु पर, तो वो हमें ज्ञात करना है। अब इसकी भी दो स्थितियां हैं, एक है अक्षीय स्थिति, पहला है अक्षीय स्थिति में, अब अक्षीय स्थिति क्या होता है, जैसे यहां ये बताया गया कि P का जो डायरेक्शन है ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा और माइनस से प्लस के डायरेक्शन में होता है, जैसे इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, तथा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंकदिश भी होता है। तो यहाँ इतना और चाहे आप कर लीजिए, माइनस आवेश से धन आवेश की ओर तथा
को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो यहां आइए देखते हैं अक्षीय स्थिति क्या है। इसी को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। मान लेते हैं कि ये एक माइनस क्यू आवेश और ये एक प्लस क्यू। ये ए बी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इसका मध्य बिंदु ओ ले लेते हैं। इधर की दूरी आपकी बी की ओ से ये एल है और ओ से इस ए की दूरी ये एल है। इस तरह से इस निकाय वैद्युत ध्रुव निकाय के आवेशों के बीच की दूरी ये टू एल है। अक्षीय स्थिति ये कहलाता है कि इसको मिलाने वाली रेखा, जैसे इधर हम इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन हमें करना है। मान लेते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर इसकी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु R है, R दूरी पर एक बिंदु P है। तो ये अक्षीय रेखा आपके समझ में आई। अक्षीय रेखा क्या है? आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये अक्षीय रेखा होगी। और इस अक्षीय रेखा पर मान लेते हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई भी बिंदु ये P है। तो अब इस P पर पहले वैद्युत क्षेत्र हम देख लेते हैं कि कितना होगा। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र, हम जानते हैं प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र ये बाहर की ओर होता है, ये इवन डायरेक्शन हो गया हमारा बाहर की ओर। और माइनस क्यू के कारण इस P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भीतर की ओर होगा। इसे हमने E2 से लिख दिया। यहां बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, प्लस क्यू के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ E1 दिखाया गया, मतलब प्लस क्यू के कारण। और माइनस क्यू के कारण क्षेत्र की तीव्रता ये E2, माइनस की ओर होता है इसलिए ये E2 हो गया। अब देखते हैं इस O से और P के बीच की दूरी ये R है, तो इस आवेश के लिए ये दूरी कितनी होगी और इस आवेश के लिए ये दूरी कितनी होगी। इस आवेश के लिए ये दूरी हो गई, देखिए इतना कम हो गया, एल दूरी इसमें कम हो गई, तो ये आर माइनस एल हो गया। और यहां एल दूरी ज्यादा हो गई तो ये आर प्लस एल हो गया। तो सबसे पहले ये हम फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद लिखेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके आवेश का मान Q तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2L है। इसके अक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आइए देखते हैं। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इवन वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के। अगर यह पूरा वैद्युत ध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है तो E1 बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर होता है। तो आवेश का मान तो Q हो गया और R स्क्वायर देखते हैं कहां से दूरी, ये हमने प्लस Q के लिए लिया, तो प्लस Q के लिए दूरी कितनी है हमारी R माइनस L। सब फिगर में ऐसे बना दीजिए, इससे बिल्कुल समस्या नहीं होगी। तो ये हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर। सूत्र हमें पता ही है E = V 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q बाई R स्क्वायर, तो ये हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। अच्छा,
फिर देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E2 लिख लेते हैं। E2 इक्वल्स टू भी हो गया 1/4πε0Q/ अब आवेश का तो मान यहाँ भी Q ही है, आवेश की मात्रा से मतलब है, इसके लिए दूरी कितनी हो गई R प्लस L, तो बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ इस P बिंदु पर देखते हैं कि ये जो क्षेत्र की तीव्रताएं हैं ये विपरीत दिशा में है, तो P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र भी शॉर्ट में भी हम कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, E इक्वल्स टू बी E1 माइनस E2। ये भी क्लियर जान लेते हैं कि E1 माइनस E2 ही क्यों, आवेश का मान बराबर है, इस P बिंदु पर तीव्रता ज्यादा होगी जिसकी दूरी कम होगी, क्योंकि सूत्र हम देख ही रहे हैं कि E इक्वल्स टू बी 1/4πε0K और Q बाई R स्क्वायर होता है, तो जो नजदीक होगा R का मान कम होगा तो E का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ देखते हैं कि B पॉइंट मतलब प्लस क्यू, ये P के नजदीक है तो E1 का मान ज्यादा होगा, और ये माइनस क्यू ये है P से दूरी पर है, अब दूरी ही सही लेकिन दूरी पर है, गणितीय मान हमको निकालना है, तो E2 का मान ये कम होगा, E1 का मान ज्यादा होगा और E2 का मान कम होगा, तो हम E1 माइनस E2 लेते हैं। आइए देखते हैं, E1 का मान हो गया हमारा 1/4πε0Q/R-L का होल स्क्वायर, अब सिर्फ आपका कैलकुलेशन बचा, फिर लिखते हैं 1/4πε0, इस E2 का मान रख लेते हैं, ε0K हो गया और Q/R+L का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं, हम कॉमन ले लें, क्या Q/4πε0K कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1/R-L का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं, हल करते हैं, E इक्वल्स टू भी हो गया हमारा Q/4πε0K, यहाँ LCM हम लिख सकते हैं R²-L² का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा हमारा R²+L² ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो हम कैलकुलेट करके लिख दे रहे हैं R²+L² + 2RL, और माइनस के कारण अंदर के फिर चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसका होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, खोल देते हैं इसको, -R²-L² और माइनस माइनस हो गया +2RL। बायो के भी स्टूडेंट को समझना है तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि ये वैल्यू यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आ गई, इस माइनस के कारण अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, और जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, देखिए R²- और ये प्लस कैंसिल हो गया, L², ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो यही हम लिख दे रहे हैं Q/4πε0K4RL/R²-L² का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1/4πε0 के लिखते हैं, 2 लिख दें और 2QL ये लिखते हैं और इनटू ये R लिखते हैं, और बाई यहाँ देखिए जैसे R की तुलना में L जो है ये बहुत छोटा है, R जो है हम वैद्युत द्विध्रुव से दूरी लेते हैं, तो भाई ये दूरी हम ज़्यादा
चाहे जहां ले सकते हैं, लेकिन बहुत अल्प दूरी हम परिभाषा में ही कह रहे हैं, तो एल का मान ही बहुत कम होता है आर की तुलना में। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर का मान तो बहुत ही कम हो जाएगा आर स्क्वायर की तुलना में, तो एल स्क्वायर को नगण्य मान लेगा, नगण्य लेने पर हम एल स्क्वायर को क्या करें, नगण्य ले लें। तो इस तरह से यहां देखिए आर एल स्क्वायर को नगण्य ले लीजिए, आर पावर 4 हो गया, तो यहां हो गया हमारा आर पावर 4। इस एक आर से इसका एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं इक्वल्स टू बी कितना हो गया, 1/4 πε0 k2। एक चीज और देखते हैं, यहां हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी देखा था, पी बराबर क्या होता है 2qL, ये पी बराबर 2qL, यहां भी इतने समझ के लिए हम लिख लेते हैं। तो यहां हम लिख देंगे 2p, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 2p/r से कैंसिल हो गया, ये r क्यूब हो गया। तो वायु या निर्वात के लिए ये देखते हैं, वायु या निर्वात के लिए k की वैल्यू हमारी 1 होती है, और इस तरह से हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिली, 1/4 πε0 2π/r³, ये हमारा हो गया 2π/r³। न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक होता है, और इसकी दिशा क्या हो गई, ये माइनस से प्लस की ओर हुई, क्योंकि परिणामी हमारा इवन आया, यहाँ हमने घटाया जब, तो परिणामी हमारा इवन की ही दिशा में आया, तो इसकी दिशा क्या हो गई, माइनस से प्लस के ओर। तो यहाँ हम लिख देते हैं दिशा जो होगी, ई की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश तथा माइनस से, माइनस क्यों लिख देते हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ई की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश तथा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। ये हमारा क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो गई, ये अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर कितना हो गया, 1/4 πε0 2π/r³। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि E, वैसे तो हम सामान्य रूप से जानते हैं कि E जो है ये E इज प्रोपोर्शनल 1/r², क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण, जब हमने देखा तो बिंदु आवेश के कारण जो सूत्र होता है E बराबर 1/4 πε0 और q/r² होता है। तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके लिए तो दूरी के साथ जो E का रेशियो है, प्रोपोर्शनलिटी है, वो E इज प्रोपोर्शनल 1/r² है। लेकिन जब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण लेते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण E इज प्रोपोर्शनल 1/r³ ले लेते हैं। यहाँ देखिए E इज प्रोपोर्शनल, ये पहलू आपकी कॉन्स्टेंट ही है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी नहीं बदलना है, तो दूरी हम कम ज्यादा अगर ले रहे हैं तो E इज प्रोपोर्शनल 1/r³। तो ये तो था हमारा अक्षीय स्थिति। अब हम आगे देखते हैं कि निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, इसका दूसरा बिंदु निरक्षीय स्थिति में। नंबर 2 देखते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब हुआ, जैसे ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू,
इसे ले लिया हमने ए और इसे बी। तो निरक्ष का मतलब इनको मिलाने वाली, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत, और कैसा हो ये लंबार्धक हो। तो ये हमारा जैसे ओ बिंदु हम लेते थे, तो ओ बिंदु से आर दूरी पर यहां हमने कोई बिंदु पी ले लिया, ठीक है। चलिए ये पी कोई बिंदु लिया, तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा की जो लंबार्धक रेखा होगी ये, इस पर कोई भी बिंदु ले, हम ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं, तो जो भी बिंदु होगा वो निरक्षीय स्थिति कहलाता है, वो निरक्ष बिंदु कहलाता है। अब देखते हैं प्लस के कारण, भाई इसको मिलाने वाली रेखा ये हो गई, जैसे ये दूरी हमारी एल हो गई और ये दूरी भी एल हो गई, तो जिस तरह से हमने पहले माना था ऐसे लिखेंगे कि माना कोई भी वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके आवेश का मान ये क्यू है और अल्प दूरी ये टू एल है, इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय रेखा पर आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो इस प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की डायरेक्शन में होगा और B से P की डायरेक्शन, मतलब यही इसी को आगे हम बढ़ा दें तो ये जो दिशा होगी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, किसके कारण, इस P प्लस Q के कारण, B के कारण। इसे मान लीजिए हम चलिए P E1 लिखते हैं, ऐसे ही इस P बिंदु पर माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये रेखा मिला दीजिए। अब माइनस Q के कारण इस पर जो क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा इसकी तरफ होगी, प्लस के कारण क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर और माइनस के कारण उसको मिलाने वाली रेखा की ही अनुदिश और माइनस क्यू की ओर, ये हो गया। अब इसका परिणामी क्या होगा, तो अब यहाँ देखिए इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न है, इस मान लेते हैं इसको ई टू ले लेते हैं, ठीक है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वन और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ई टू है, दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न है। अगर एक ही दिशा में होता तब तो हम उसको सीधे घटा लेते, अगर विपरीत दिशा में होने के कारण अनुदिश होता तो घटा लेते, एक ही दिशा में होता तो जोड़ लेते, लेकिन यहाँ क्या है भिन्न भिन्न दिशा में है, तो यहाँ समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार इसका परिणामी लेना पड़ेगा। इसका जो परिणामी होगा वो समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार आप लिखिए, तो मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र का इनका परिणामी E है। अब सदिशीय जब हमको योग लेना होगा तो डायरेक्शन देखना होगा, मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है, तो यहाँ भी ये कोण हम थीटा ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बिना डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ये हमने E1 लिया है, तो E1 बराबर हो गया 1/4πε0 के माध्यम का परावैद्युतांक ले लेते हैं, के Q/r², तो Q हो गया r² देखते हैं, r² का मतलब ये BP का स्क्वायर। अब BP हमारा कितना होगा, ये संपूर्ण त्रिभुज लेते हैं, संपूर्ण त्रिभुज में ये हमारा L है और ये लंब R है, तो जाहिर है ये दूरी कितनी हो जाएगी, √r² + L² और ये दूरी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी √r² + L², तो ये इनकी दूरी, दोनों दूरियां बराबर हुई, लंबार्धक रेखा ही है, तो Q/r², तो इसका स्क्वायर कर दें, मतलब r² + L² हो गया। डायरेक्शन आपको हमने इसमें दिखाई दिया है, P से B की तरफ, ये E1 का डायरेक्शन है, बार बार लिखने कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र ये हमारा है E2 और E2 बराबर कितना हो गया 1/4πε0 के और ये भी हो गया Q/, इसकी भी दूरी वही है, तो ये भी हो गया r² + L², तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा वो तो बराबर होगा, सिर्फ डायरेक्शन इसके भिन्न भिन्न है, तो अब डायरेक्शन के अनुसार हमको जोड़ना होगा।
अब आइए देखते हैं डायरेक्शन के अनुसार हम इसको कैसे जोड़ते हैं। इतने ही भाग को हम अलग से यहां दिखा दे रहे हैं, देखिए जैसे ये आपका बिंदु P है, और ये डायरेक्शन E1 है, थीटा कोण है, ये परिणामी आपकी E है, और ये आपका हो गया E2 है। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट है, परिणामी है। अच्छा, अब देखते हैं इसके दो घटक ले लेते हैं। एक ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया हमारा E1 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, इस डायरेक्शन इसका एक घटक यही लिख रहे हैं अभी, इसका एक घटक हमने लिख दिया E1 cos थीटा। भाई E1 को हमने इसके दो घटकों में वियोजित कर दिया, तो इसका एक डायरेक्शन यहां दे दे रहे हैं, इस डायरेक्शन का या इस तीर का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ यहां जो हमने लिखा है इसको बताने के लिए है, ये परिणामी है। तो E1 sin थीटा ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, और इस डायरेक्शन में इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, ये E1 cos थीटा हो गया। अब आइए ऐसे E2 के लिए ले, थीटा कोण इधर है तो थीटा कोण ये भी होगा, लंबार्थक ही है। ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा हमारा E2 sin थीटा, और इसका जो क्षैतिज घटक होगा इसकी डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो परिणामी ये E का डायरेक्शन आएगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा, क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये विपरीत दिशा में है, और E1 E2 हमने देखा कि बराबर ही हैं, तो sin थीटा भी यहाँ बराबर ही है, sin थीटा वही रहेगा, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त करेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में जो आपका निरक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति में इसके जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं ये एक दूसरे को निरस्त करेंगे, और जो आपके क्षैतिज घटक हैं परिणामी वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता इन क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से हम सीधे लिख सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युतक्षेत्र ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E equals to be E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। अच्छा, यहां हम ये देख रहे हैं, इससे हम ये इजीली समझ सकते हैं कि E1 और E2 ये हमारा बराबर है, तो चलिए हम यहाँ लिख ही लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान ही हो जाएगा। E1 cos थीटा और प्लस इसे भी लिख दें E1 cos थीटा, और ये हमारा क्या हो गया 2E1 cos थीटा। अब हमें आवश्यकता है इस cos थीटा की, E1 का मान हमें यहाँ से पता ही है, cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ से cos थीटा का मान कैसे निकलेगा। cos थीटा बराबर, ये देखिए कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे ये ट्रायंगल हमने ले लिया, तो इस ट्रायंगल में देखते हैं cos थीटा, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया हमारा, ये आधार हो गया L, और कर्ण हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार बटा ये कर्ण हो गया। cos थीटा बराबर L बाई L हो गया बाई अंडर रूट L आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपका मान हो गया। चलिए अब cos थीटा का ये मान और E1 का मान यहाँ रख देते हैं, तो इस तरह से E equals to V कितना हो गया 1 by
फोर पाई एप्साइलन जीरो के, ये टू है टू हमने लिख दिया, और कॉस थीटा ये एल हो गया, ई ई वन का मान अभी बाकी रह गया वन बाई फोर पाई एप्साइलन जीरो के, ये टू क्यू हो गया बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा का मान लिख दें ये एल बाई, ये अंडर रूट जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज टू द पावर हाफ। तो अब ये देखते हैं वन बाई फोर पाई एप्साइलन जीरो के, वन बाई फोर पाई एप्साइलन जीरो के टू क्यू एल, यहाँ भी आपका टू क्यू एल आया, पहले की तरह हम इसको लिख सकते हैं पी बाई, इन दोनों को हम देखते हैं ये पावर वन है पावर हाफ है, तो हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज टू द पावर थ्री बाई टू। तो फिर हम वही देखते हैं कि एल ये वेरी लेस क्वांटिटी है आर की तुलना में, अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य मानने पर नगण्य मानने पर, तो चलिए नगण्य मान लीजिए, इसे समाप्त मान लेते हैं, और आर स्क्वायर से ये इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा क्यूब आ जाएगा, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्साइलन जीरो के और पी बाई आर क्यूब, ये क्या हो गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर। अब अगर k का मान एक मान लेते हैं, यहां लिख ही देते हैं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए आपका k का मान एक हो जाएगा, k का मान एक हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया e equals to b 1 by 4 pi epsilon 0 p by r cube। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखते हैं ये 1 बाई 4 पाई एप्साइलन 0 और P बाई आर क्यूब आया, जबकि अक्षीय स्थिति में कितना था 1 बाई 4 पाई एप्साइलन 0 2 P बाई आर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये अक्षीय स्थिति से आधा होता है, या अक्षीय स्थिति में उतनी ही दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निरक्षीय स्थिति से दूना होता है, तो ये याद रखने की चीज है। हाँ, एक चीज फिर से देख लेते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या हुआ, यहाँ जो डायरेक्शन था ये हमने देखा कि अक्ष को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर था, और यहाँ देखते हैं यहाँ जो डायरेक्शन है जो परिणामी है वो ये डायरेक्शन बता रहा है, परिणामी आपका ये है, यहाँ क्या है इस माइनस क्यू प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा के समानांतर या इसके अनुदिश तो है लेकिन प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर है, प्लस से माइनस की ओर है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं।